हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्नोज ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम मोर एमसीक्यूज़ फ्रॉम आर एमसीक्यू ग्रुप एंड दिस इज़ डेट सिक्स पीडीएफ सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ हाउ मेनी मैनी सॉलिक डज हैमलेट डिलीवर तो जो शेक्सपियर का हैमलेट वर्क है इसमें कितनी सॉलिकीज़ जो हैं वो हेमलेट के द्वारा डिलीवर की गई थी आपके ऑप्शन हैं टू फोर सेवन और नाइन आप लोगों के लिए दोबारा मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूं आपके जो ऑप्शन है टू फोर सेवन और नाइन तो आपके जो टोटल हैमलेट द्वारा डिलीवर की गई थी वो थी आपकी सेवन सॉलिकीज नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड वन सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज हु डज पॉलोनीस सेंड टू स्पाई ऑन लाइटीज़ इन पैरिस तो पोलिनियस जो है वो स्पाई करने के लिए किसको पेरिस भेजता है सो ऑप्शन्स आर फ्रेंसिस्को गोरगोंजोला रेनाल्डो सैमसन तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं आप लोगों को इसको बताना है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बता दें कि हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है जो कि आपका पर्टिकुलरली एम ग्रुप है इसमें हम आपको वन मंथ में ट्वेंटी फाइव पी आप लोगों को मिलती हैं प्रैक्टिस और हर वीक आप लोगों का एक टेस्ट भी हम इसके साथ में रखते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसकी जो फीस है वो है आपकी हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर सो इसका जो आप लोगों का आंसर है वो है आप लोगों का रेनाल्डो तो रेनाल्डो को स्पाई करने के लिए भेजा जाता है

गोंजागो और द slaying ऑफ Lucianus ऑप्शन are ही ए बी सी डी आप लोग आ, सोच सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर अपना डिस्कशन के लिए सो so, आपका जो आंसर है वो है आपका सी the मर्डर ऑफ Gonzago ये आपका राइट right आंसर है यही उस प्ले का नाम है जो कि हेमलेट के द्वारा अरेंज किया गया था वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क जो डेनमार्क में डेनमार्क आने से पहले जो हेमलेट था वो कहाँ पर स्टडी कर रहे थे सो so, आपके जो चार ऑप्शन हैं आपके सामने हैं ऑप्शन ए है आपका विटनबर्ग बी है ऑस्लो, सी लंदन और डी डबलिन तो हेमलेट जो है वो डेनमार्क आने से पहले कहाँ स्टडी कर रहे थे तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका विटनबर्ग तो जो हैमलेट थे वो कहाँ पर कर रहे थे स्टडी वो था आपका विटनबर्ग में नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कंप्लीट द फॉलोइंग फेमस लाइन ऑफ हैमलेट समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डैश तो आपको इस फिलिंद ब्लैंक्स में बताना है कि कौन सा इसका आंसर है सो so, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए इंग्लैंड बी वेनिस सी डेनमार्क और मेन एक बार फिर से आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं इंग्लैंड वेनिस डेनमार्क और मेन समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क सो आपका जो आंसर है राइट right आंसर है वो है आपका डेनमार्क नाउ लेट्स कम टू दैक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एज जॉफरे चौसर इज नोन एज जो जॉफ्रेज चौसर हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है द रिफॉर्मर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज The poet of English language, the father of English literature, the father of English language. तो आप लोग जैसा जानते हैं कि history of English literature का हमारा अलग से एक सीरीज चल रही है उसे आप लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ आप options पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं Geoffrey चौसर इज़ also नोन एज Geoffrey चौसर को क्या माना जाता है तो उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है now let's come to the next question the next question for you is let me scroll it down ye hai aapka next question the Canterbury Tales is an unfinished work jaisa ki hum jante hain ki ye kya hai ek canterbury Tales kya hai aapka unfinished work hai और uh, chauser ise complete नहीं कर पाए थे. where in each pilgrim was supposed to tell more than one tale सभी को दो टेल का क्या किया गया था इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है सारे कैरेक्टर्स को लेकर आप लोग देख सकते हैं उसे बहुत अच्छा आपका एक रिविजन हो जाएगा कैंटेबल टेल्स पर हाउ मेनी टेल्स डिड चौसा ओरिजिनली इन विजिन ईच पिलग्रिम्स टेल तो सभी को कितनी कितनी टेल्स बोलने के लिए चांस मिलना था इस वर्क में सो देर वर फोर टेल्स मीन्स टू टेल्स ओके आई हैव टोल डू दंसर ऑलरेडी सो आपके जो ऑप्शन हैं यहाँ पर फोर सिक्स टू वन आप लोग देख सकते हैं और दो स्टोरीज़ उन्हें जाते हुए बोलनी थी और दो स्टोरीज़ उन्हें आते हुए बोलनी थी तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक्चुअली जो पिलग्रम्स जो जा रहे थे वो कौन सी जगह पर जा रहे थे उस जगह का नाम आप लोग बता सकते हैं अगर नहीं बता सकते हैं तो आप कैंटबरी टेल्स वाला पार्ट ज़रूर देखिए अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसे अपलोड किया है चैनल पर पूरे कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स मैंने उसमें डिस डिस्क्राइब किए हुए हैं तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इन विच योर जॉफ्रे चौसर बॉर्न कब जॉफ्रे ज़ चौसर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आप लोगों को इसमें बताना है फोर्टी थ्री थर्टी सिक्स फोर्टीन थर्टी टू और थर्टीन फोर्टी सेवन तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आ, ए आपका ऑप्शन दिया हुआ है बट अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका 1340 में इसको माना जाता है 1340 में जो है वो जोफ्रे चौसा का जन्म माना जाता है सो ही वॉज़ बॉर्न इन 1340 एंड यूजली इट इज़ रिटर्न लाइक थर्टीन ऑलराइट राइट सो जब भी आपको अगर कहीं पर ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए क्वेश्चन हैं डिफरेंट uh, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया सो किसी एग्जाम में इसे फोर्टीन फोर्टी थ्री भी माना गया है तो आप लोग इसे थर्टीन फोटीज़ यूज लिखा जाता है अगर आप इसे विकीपीडिया uh, में भी अगर आप इसे सर्च करते हैं तो विकीपीडिया में भी इसे थर्टीन फोटीज़ ही लिखा जाता है सो समाइम्स इट इज़ फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री ऑल्सो इट इज़ मैं तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो इसे चैलेंज भी किया जा सकता है लेकिन साथ ही साथ आपको आ, इसे जो 40 के नज़दीक जो भी आपको डिजिट दिखे उसे आपको लिखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं विच इज़ द फर्स्ट मेजर वर्क बाय जोफ्रे जोफरे चौसा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए ट्रॉयलेस एंड क्रसीडा बट हाँ इसमें हो सकता है कि फर्स्ट मेजर वर्क में आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो द टेल्स द बुक ऑफ डचेस एंड हाउस ऑफ फेम आपको इन चारों वर्क्स में से उन्हें बताना है कि कौन से वर्क जो फर्स्ट मेजर वर्क था चौसर का वो कौन सा था तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे पहले वर्क उन्होंने लिखा था फर्स्ट मेजर वर्क की बात हो रही है तो आपका ऑब्वियसली दी कैंटरी टेल्स है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्कस ऑफ जॉफ्रे चौसर इज एन एलिजी रिटर्न फॉर द ब्रांसे ऑफ लैंकेस्टर ये ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में द हाउस ऑफ फेम आपके ऑप्शन है द बुक ऑफ डचेस ट्रॉयलेस एंड कैसीडर द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन तो आप लोग देख सकते हैं आपके जो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने हैं तो आप लोग इसमें आंसर सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाउस ऑफ फेम द बुक ऑफ डचेस टॉयलेट्स एंड कैसीडा द लीजेंड ऑफ वुमेन तो जो लैंकेस्टर ब्रांसी ऑफ लैंकेस्टर के लिए लिखा गया था वो था आपका द बुक ऑफ डचेस अब यहाँ पर आप लोगों को अगर इसे थोड़ा सा याद रखना है या रिलेट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सी एच है कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए कौन सा लिखा गया है तो यहाँ पे आपको ब्लॉन्च जो है सी एच -E ई इसमें भी आता है और सी एच -E ई इसमें भी आता है बाकी आप लोग देखेंगे जो भी बुक्स उन्होंने लिखी थी उनमें ये टर्म मैच नहीं होता है तो आप सिंपली इसमें एक तरह से आप शॉर्टकट तरीका याद रख सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Uh, आपके पास में हाउस ऑफ यॉर्क थे एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर थे सो so, लेंकेस्टर के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जो आर है लास्ट में वही क्या है आप लोगों का रेड रोज़ इन्हीं का क्या था सिंबल था वार ऑफ रोज़ेज में और ये नहीं क्योंकि रेड क्या होता है अग्रेसिव होता है इसलिए जो रेड वाली पार्टी थी मीन्स लेंकेस्टर जो थे उन्हीं की जीत हुई थी तो आप इस तरह से शॉर्टकट्स अपने बना सकते हैं और इस तरह से अगर आप अगर कहें कि उन्हें कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ, जब आपके सामने पेपर होगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन चीज़ों के लिए विच ऑफ द चौसर्स वर्कस इज़ एसोसिएटेड विद वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइंस डे से कौन सा चौसर का वर्क जो है वो एसोसिएटेड है द बुक ऑफ डचेस द कैंटबरी टेल्स पार्लियामेंट ऑफ हाउस अगेन डिटेल्स आपके पास ऑप्शन दो बार सेम है तो आपके आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच किंग डिट चौसा फाइट इन इंग्लैंड इंग्लिश आर्मी फॉर हंड्रेड ईयर्स वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि आ, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है आप आ, पीछे से फॉलो करते हैं, आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट तो क्या आप बता सकते हैं कि शॉर्टकट जो मैंने आप लोगों को बताया था चौसन ने आ, थ्री किंग्स के टाइम में क्या किया था उन्होंने वर्क किया था अलग अलग किंग्स के साथ में वर्क किया था तो वो थ्री किंग्स कौन कौन से थे क्या आप लिख सकते हैं क्योंकि साथ ही साथ एम के साथ ही साथ आप लोगों का डिस्कशन भी हो जाए और ये भी चेक हो जाए कि आपने जो वीडियो हैं जो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं चैनल को क्या उन्हें चीज़ें याद भी हो रही है साथ में या नहीं तो क्या आप बता सकते हैं विलियम फर्स्ट एडवर्ड सेकेंड विलियम सेकेंड और एडवर्ड थर्ड आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं आप लोगों को बताना है कि जो आंसर है वो राइट right आंसर कौन सा है तो आपका जो राइट right आंसर है वो है एडवर्ड थर्ड तो एडवर्ड थर्ड के टाइम पर उन्होंने हंड्रेड ईयर्स वॉर में क्या किया था हिस्सा लिया था अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हु द किंग व्हेन जॉफ्रे चौसर वॉज बॉर्न जब जॉफ्रे चौसर का जन्म हुआ था तब किंग कौन से थे डेविड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड और एडवर्ड सेकेंड एडवर्ड थर्ड वॉज द किंग एट द टाइम ही वॉज बॉर्न नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इन विच योर डेट चौसा फॉट इन हंड्रेड इयर्स वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड जब चौसर का चौसर ने वॉर में हिस्सा लिया था उस टाइम कौन सा सन था कौन सा ईयर था 1374, 1359, 1367 और 1382। आप लोगों के ऑप्शन आपके सामने हैं आपका जो राइट आंसर है वो है बी 1359। 1359 में उन्होंने हंड्रेड वॉर हंड्रेड ईयर वॉर में हिस्सा लिया था नाउ नेक्स्ट फॉर यू वेन डिड चौसर जोफरे चौसर स्टार्ट वर्किंग ऑन कैंटरबरी टेल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंटरबरी टेल्स पर उन्होंने कब काम करना शुरू किया था ऑप्शन आर रिया अर्ली थर्टीन सेवेंटीज इन थर्टीन सिक्सटी फोर अर्ली थर्टीन एटीज और थर्टीन सेवेंटी सिक्स कब चौसर ने कैंटबरी टेल पर काम करना शुरू किया था सो आंसर इज अर्ली थर्टीन एटीज ऑल द क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से और uh, साथ में देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू हूम डेड एडमन स्पेंसर एड्रेस हि सोनेट सीक्वेंस एमोरथी एमारथी जो सोनेट सिक्वेंस था जिसमें कि एट्टी नाइन सोनेट्स उन्होंने लिखे थे इसमें एडमंड स्पेंसर किस को एड्रेस करके सोनेट लिखते हैं लीजा बॉयले मैरीज क्वीन एलिजाबैथ और एलिजथ्स बॉयले तो मैंने ये भी आप लोगों को आ, सीरीज में बता चुका हूँ आंसर तो आप लोगों के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं लिजा बॉयले थी या आप लोग देखेंगे कि एलिजाबैथ बॉयले भी वहाँ पर है और मैरी जेन और क्वीन एलिजाबैथ इसी के बीच में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और चैलेंज करने के लिए बताता हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ को फेयर वेस्टर्न लेडी किसने कहा था ये आप लोगों को बताना है क्योंकि ये सीरीज़ में आप लोगों को बता चुका हूं और शॉर्टकट्स भी बता चुका हूं इन चीज़ों के तो एल्जबेट्स बॉयले आप लोगों का क्या है आंसर है आप लोग इसे नोट no डाउन कर सकते हैं अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेयर डिड स्पेंसर एडमंड स्पेंसर बॉर्न जो एडमंड स्पेंसर थे वो कहाँ उनका जन्म हुआ था वॉरचेस्टर चेस्टर ईस्ट स्मिथफील्ड और कैंट तो कौन सी जगह थी जहाँ पे एडमंड स्पेंसर का जन्म हुआ था तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ईस्ट स्मिथ फील्ड इसमें आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट बताया था एस क्यूब का वो क्या है आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एस क्यूब जो मैंने आप लोगों को बताया था एस क्यूब एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था वो क्या था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ साथ पूछ लेता हूँ चेक भी होता रहेगा आपकी सीरीज़ आप लोगों ने अच्छे से देखी है या नहीं देखी है ड्यूरिंग विच वॉर द ऑफ एडविन स्पेंसर दासन बाय नेम बर्नड बाय नेटिव आयरिश फोर्सेज हंड्रेड ईयर्स वॉर नाइन ईयर्स वॉर टेन ईयर्स वॉर और सेवनटीन ईयर्स वॉर आंसर आपके ये सामने हैं ऑप्शन्स आपके सामने हैं आप लोगों को ये बताने हैं कौन सा वो वॉर था जिसमें काशल ऑफ एडमिन कि लोग कॉलमन बाय नेम तो और दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि नाम क्या था उसका किलो कॉलम किल कॉलन सॉरी ये उस काशल का नाम था और कई बार इस तरह के कोई जाते हैं कि उस काशल का क्या नाम काशल का नाम था आ, किल कॉलन वो कब किया गया था वो है आप लोगों का इट वाज बर्न एट द टाइम ऑफ नाइन इयर्स वॉर नाइन ईयर्स वॉर था उसमें उसे जला दिया गया था हाउ मनी लाइन्स आर इन स्पेंसेरियन स्टेंजा बहुत बार पूछा गया है स्पेंसेरियन इस्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं ऑप्शंस आर ए नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और एट तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके लिए भी बताया था कि आप लोगों को याद करना है इसमें काउंट करना है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन आप लोग देखिए इसमें टेन आप लोगों के क्या है यहाँ पे टोटल हो रही हैं अच्छा इस तरह से मेथड इस मेथड से अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो पेपर है पेपर में भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपके सामने ही होती हैं अब क्योंकि आपने इन्हीं पर रिसर्च करके या कुछ शॉर्टकट बना के चीज़ें याद की हुई हैं तो आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी याद होती हैं तो आप देखेंगे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एन है उसे आप क्या करेंगे क्योंकि ये डबल है इसलिए इसे आप सिंगल ही काउंट करेंगे तो अगर आप टोटल देखेंगे यहाँ पे वैसे आपका ई e भी है लेकिन क्योंकि हम लास्ट वाला जो एन है उसे रिमूव करते हैं तो आप लोगों के पास बस टोटल नाइन तो यहाँ पे आपकी जो लाइंस होती हैं वो टोटल नाइन ही होती हैं इतने स्टेंजा सॉरी इतने स्टेंजाज ही इसमें होते हैं तो कितने स्टेंजा होंगे आप लोगों के पास नाइन होंगे तो कुछ इस तरह का आप लॉजिक लगा के Uh, हो सकता है कि कहीं पर यह लॉजिक फेल हो जाए लेकिन अगर आप एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन में भी जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है इस तरह के लॉजिक लगा कर आप इसे याद रख सकते हैं वॉट इज़ द टाइटल ऑफ द प्रोज पैम्पलेट एडमेंड स्पेंसर रोड इन द ईयर 1596? जो 1596 में उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था वो कौन सा था एडमंड स्पेंसर ने इसे लिखा था विजन ऑफ पैट्राक A view of the present state of Ireland, the ruins of time, the visions of the world's vanity. तो आपका जो right answer है वो है A view of the present state of Ireland. तो B आपका इसमें answer है. तो ये 20 questions आपको daily मिलते हैं. आप, फिर आपके जो हंड्रेड कोशनस होते हैं उन हंड्रेड में से हम आपको फिफ्टी क्वेश्चन का एक टेस्ट देते हैं और आप उसे आ, उस टेस्ट में खुद को चेक कर सकते हैं